हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आईडी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से काफ़ी सिंपल वे में डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी अकाउंट का डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो यहाँ पर फेसबुक है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को डायरेक्टली डिलीट करने का बटन आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका रीज़न है दोस्तों, अगर ये आपको डायरेक्टली अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन दे देंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करके ये सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनका काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। इसी रीज़न की वजह से ये डायरेक्ट डिलीट बटन नहीं देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मैनेज योर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर अकाउंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंदर यहाँ पर ये डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बाकी हैं। तो यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है इंस्टाग्राम अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये instagram.com फ्रॉम ए मोबाइल ब्राउजर और कंप्यूटर, तो ये जो दोस्तों एंड्रॉयड यूजर के लिए और आईफोन वाले को नीचे वाला ऑप्शन दिया जाता है इंस्टाग्राम ऐप फॉर आईफोन। तो यहाँ पर आपको सेकंड फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, आईफोन वाले को सेकंड पे, तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रीज़न सिलेक्ट करना है कि आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सेकंड अकाउंट क्रिएट कर लिया है, या कोई प्रॉब्लम आ रही ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड, या आप बिजी हो गए, तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर जो है ज़्यादा रीच इंगेजमेंट इस अकाउंट पर नहीं मिल रही, तो मैंने ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, आपका ये अकाउंट जो है ये एक महीने के बाद यहाँ पर डिलीट होगा। यहाँ पर लिखा है इफ़ यू कंटिन्यू योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल विल बी डिटेक्टेड ऑन दिस डेट, यानी आज के आप डेटा 22 डेट है दोस्तों, तो यू वुड नॉट बी विजिबल ऑन इंस्टाग्राम बिटवीन नाउ एंड देन इफ़ यूर चेंज, यानी कि आपका माइंड चेंज हो रहा है तो आप इसे लॉक बैक कर सकते हैं। जिससे यहाँ पर लिखा है डिलीटेशन डेट एंड चूज टू कीप योर अकाउंट, अगर इस यहाँ पर आपको जो डेट मिलेगी इस डेट से पहले अगर आप लॉक बैक कर दें तो आपका अकाउंट जो है बच जाएगा, अगर आप इस डेट से पहले अकाउंट लॉक बैक नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को एक महीने तक लॉगिन नहीं करना है, जिसकी वजह से एक महीने के बाद ये आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर एक महीने का प्रोसेस लेता है ये यहाँ पर डिलीट करने में। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे इस पर। उसके बाद जो है आपका जो है अकाउंट डिलीट हो जाएगा एक महीने के बाद। तो यहाँ पर एक महीने तक आपको कोई भी लॉगिन नहीं करना है, इस आईडी से आपको इस अकाउंट में लॉगिन नहीं करना है इंस्टाग्राम में इस अकाउंट से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच। थैंक यू वन टू वन के लिए।